क्ष बीरी ऑफ दिसकस ऑल देंस एंड वर्ब्स मेन वर्ब्स देर रिकोगशन मतलब सब का एक निचोड़ जैसे बोलते हैं ना सार तो उससे पढ़ने में ईजी हो जाता है सारे के सारे टेंसेज को उसमें हम जब पढ़ेंगे तो ईजी होगा और वीडियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सो एंड तक देखिएगा वीडियो समझ आएगी एंड थैंक यू thank you for watching and liking my videos and you are... so in this video summary of the tenses mein hum kya dekhenge ki jaise hamare tenses hain teen tenses hain present tense past tense future tense ab uske andar hum kya karte hain char char type ke tenses को पढ़ते हैं जैसे कि हमारा present tense है इसके अंदर suppose आप मान लीजिए कि जैसे present tense है फिर इसके चार भाई हो गए प्रेजेंट टेंस के चार बेटे हो गए आप कुछ भी मान लीजिए प्रेजेंट इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीअस ऐसे फिर उसके बाद उसी तरह से पास टेंस क्योंकि जो जब हम इन चारों टेंसेज को पढ़ेंगे तो इनके अंदर भी हम चार टाइप के हर टेंस के अंदर सपोज ये है तो इसके अंदर हम चार टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं ओके चार टाइप के सेंटेंसेस को हर टेंस के अंदर आप पढ़ते हो दैट इज़ अफॉर्मेटिव और यू कैन से पॉजिटिव अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं और निगेटिव इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप ये सब टेंस जो है सेंटेंसेस uh, को हम पढ़ते हैं हर एक टेंस के अंदर है ना तो इसके भी चार इसके अंदर भी चार टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे इसके अंदर भी इसके अंदर भी इसके अंदर भी एंड सो ऑन सबके साथ ऐसे ही हम चार चार टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं ठीक है मतलब ये कन्फ्यूजन रहता है कि अरे क्या पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस बच्चे मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होते हैं कि इस टेंस में हमने ये अफर्मेटिव इसमें भी आ गया नेगेटिव इसमें भी आ गया मीन्स आपको हर टेंस के अंदर चारों टाइप के टेंसेस को सेंटेंसेस को सॉरी पढ़ना है ठीक है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका क्या रिकॉग्निशन है इसमें जिन वाक्यों के अंत में ताहू तीहें है, तेहें है आता है आप इससे पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डू और डज होती है और मेन वर्ब में जो मेन वर्ब होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं दैट इज़ और एस सी आई एस को ऐड करते हैं ठीक है मेन वर्ब जो होती है आपकी मेन वर्ब हमेशा मतलब जो मेन वर्ब क्या होती है पहले हम ये समझ लें मेन वर्ब होती है हमारी जो एक्शन होता है आपका सब्जेक्ट उस सेंटेंस के अंदर जो काम करेगा एक सेंटेंस आपको दिया है जैसे वह खाना खा रहा है तो सब्जेक्ट हो गया वह और खाना खा रहा है खाना जो वो मुंह में डाल के जो वो खाता है वो आपका मेन वर्ब हो गया तो मेन वर्ब यानी कि उस सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया खाने का काम किया खाने को तो खाया जो प्लेट में खाना रखा दैट इज़ खाना ऑल्सो तो उस खाने को खाया लेकिन जब उसने वो खाना मुंह में डाला तो वो एक वर्क हुआ वो एक काम हुआ तो वही मेन वर्ब होती है जो सब्जेक्ट आपका उस सेंटेंस के अंदर जो काम करता है वही आपकी मेन वर्ब होती है और उसी को हम वर्ब भी कहते हैं तभी तो कहते हैं ना क्रिया काम की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाइए तो उसको हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इसीलिए बोलते हैं या सेकंड फॉर्म जो भी है हम बोलते हैं अब देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें एस सी आई एस हम जोड़ते हैं याद होगा आपको तो आप देख लीजिएगा लिंक पड़ा हुआ है है ना वीडियो में कि ये मतलब मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूँगी जिससे कि आपको पता रहे कि हमने क्या उसमें पढ़ा तो मेन वर्ब ऐसी आई एस उसमें हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब जब डू डज है तो एक प्लूरल होती है एक सिंगुलर होती है ठीक है सिंगुलर और प्लूरल हमने पढ़े हैं हीशी इट हमारे सिंगुलर है और आई वी दे हमारे प्लूरल है तो उनके हिसाब से हमें डू डज को लगाना है राइट अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या रिकॉग्निशन है जिन वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहे आता है और इसमें तीन हेल्पिंग इसमें तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज़ एम आर आई के साथ एक चीज़ सर्टेन है कि एम लगाएंगे आई एम ठीक है और ये सिंगुलर के साथ है हीशी इट जो है ही शी इट हमारे सिंगुलर है उनके साथ इज लगाएंगे और प्यूरल आई वी यू दे के साथ हम आर लगाएंगे और यहाँ पर हमारे की हमारी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाते हैं अब जो बेस फॉर्म इस फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं बेस फॉर्म भी हम बोलते हैं देखिए बेस फॉर्म ऑल्सो तो फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म एक ही बात है आप उसमें आई एन जी लगाते हैं और जब फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं और वो फोर्थ फॉर्म भी होता है मतलब अब चार फॉर्म्स को हम मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में मॉडर्न इंग्लिश में काउंट करने लगे हैं कि फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म तो ये जो फोर्थ फॉर्म होती है ये ये यही होता है वर्ब में जब आई एन जी लग जाता है देन इट बिकम्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं ठीक है नाउ वी कम टू प्रेजेंट टेंस इसमें चुका है लिया है दिया है ये सब होता है जैसे चुका है मैंने ये खाना खा लिया है मैंने ये कर लिया है वैसे तो और इसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब्स हैज को सिंगुलर के साथ हैव को प्लूरल के साथ और यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं जैसे ईट एट, एट इट, इटन को वेंट गॉन तो जो लास्ट फॉर्म होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं और यू कैन से कि आप हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्क की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं ठीक है नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूवस में क्या पहचान है ता रहा है ते रहे हैं ती रही है ये सब चीज़ें आती हैं इसमें हैज़ बीन और हैव बीन ठीक है हैज़ बीन और हैव बीन हैज के बाद इससे हम थोड़ा याद कनेक्ट कर लेंगे कि हैज़ और हैव थी थर्ड नंबर पे था थर्ड नंबर पे हैज़ और हैव को लगाया हमने और वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी क्योंकि ये थर्ड नंबर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद हैज बीन हैव बीन बस उसमें एक ही चीज़ तो ऐड करनी है बीन तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है राइट नाउ पास्ट टेंस पास्ट टेंस में हमें क्या करना है इसमें इसकी क्या पहचान है लिया दिया गया जैसे मैंने खाना खा लिया है ना तो वह बाज़ार चला गया तो पास टेंस में ये चीज़ें हो रही हैं क्योंकि टेंस तो हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बस यहाँ एक एक्सट्रैक्ट हमें पढ़ना है एक सार हमें पढ़ना है कि जिससे हमें ये सब चीज़ें याद रहें अब इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है डेड वो सिंगुलर में भी जाएगी और आपके प्लूरल में भी जाएगी ठीक है अब यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म अब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाता है लेकिन जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में आएंगे तो वहाँ पर हम डिड को यूज़ करेंगे और डेड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगी होती है ठीक है नेक्स्ट पास कॉन्टीन्यूवस रहा था रहे थे रही थी इसमें वॉज और वर होता है वॉज सिंगुलर वर प्लूरल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी मीन्स कंटिन्यूस वाला आप जो भी देखेंगे ये वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आप देखें पास कॉन्टीन्यूअस देखें या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखें वहाँ पर आपको वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ही लगेगा बस कंटिन्यू से याद रखिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या हाँ वर्क की फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी ही लगाएंगे ठीक है तो एक चीज तो ये बहुत कॉमन हो गई तीनों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और पास कॉन्टिन्यूअस तीनों में वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आपको आई एन जी ही लगाना है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑल्सो उसको कहते हैं हम ठीक नाउ अब पास कॉन्टीन्यूस ये हो गया हमारा पास परफेक्ट इसमें चुका था चुके थे आपका काम जो है फिनिश हो जाता है चुका था मैं ये कर चुका था और इसमें भी आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब एक ही है जैसे कि पास इंडेफिनिट में एक ही है ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म अब फिर वही दिमाग में रखिए कि जैसे थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस का तीसरे नंबर का टेंस है पास्ट परफेक्ट तो यहाँ इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम यूज़ करेंगे राइट नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इसमें क्या पहचान है ता रहा था ते रहे थे ती रही थी ऐसी चीज़ें आती हैं मैं ये करता रहा था इसमें हेड बी हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर प्लेल दोनों के साथ जाएगी तो देखो पास टेंस ऐसे ईजी है क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास परफेक्ट में भी एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पास कॉन्टीन्यूस में भी परफेक्ट uh, कॉन्टीन्यूस में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर प्लेल का इशू तो ख़त्म ये थर्ड नंबर पर है तो वर्क की थर्ड फॉर्म लगनी है लास्ट वाले में वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ठीक है अब देखो जितने भी फोर्थ uh, नंबर वाले जितने भी टेंस हैं जैसे प्रेजेंट के चार पार्ट हैं पास्ट के भी चार पार्ट्स हैं और फ्यूचर के भी चार पार्ट्स हैं तो लास्ट वाला जो होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ही लगेगा ये भी कॉमन चीज़ हो गई कि लास्ट वाला है भाई फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो वर्ब में आई एन जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो वर्ब में आई एन जी और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो भी आप वर्ब में आई एन जी ही लगाएंगे ठीक है मतलब कितना ईजी है है ना इंटरेस्टिंग हो रही है ना वीडियो हमारी तो इसको एंड तक देखिएगा प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा और तो यहाँ पर हम हैड बीन और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं ठीक है अब फ्यूचर में इसमें गा गेगी हमें पता है कि जब हम फ्यूचर की बात करेंगे सब जगह गा गी ये लगाना है मतलब गा गी गे से आप उसको पहचान लेंगे मैं जाऊंगा मैं खाऊंगा मैं करता रहूंगा वह चुका होगा रहे होंगे ये सब चीज़ें आएंगी बस गा गी गागी को पहचान लो और आंख बंद करके सोचो कि फ्यूचर टेंस है फिर उसके अंदर आपको और थोड़ा पहचानना पड़ेगा कि क्या लगाना है ठीक है अब इसकी पहचान ही होगी इसमें और विल और शैल विल सिंगुलर के साथ शैल प्लूरल के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई ऐसी एस नहीं लगना केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउ फ्यूचर कंटिन्यूस रहा होगा रही होगी रहे होंगे ये होता है मैं कंटिन्यू मत, मतलब लगातार मैं क्या खाना ही खाता रहूंगा क्या मैं खेलता ही रहूँगा तो इस तरह से आप पहचानोगे कि करता रहा मतलब रहा होगा को हम कैसे यूज़ करेंगे फिर विल बी और शैल बी अब देखो इसमें विल से शुरू हुआ है तो चारों में आपके विल और विल का यूज़ होना ही होना बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो विल बी यह विल था यह विल बी और शैल बी सिंगुलर और प्लूरल जब एक हमें पता है कि विल हमारा सिंगुलर है शैल प्लूरल है तो आगे भी ऐसे ही रहने वाला है विल बी सिंगुलर शैल बी प्लूरल फिर यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी मैंने बताया ना क्योंकि कंटिन्यू वाले ही जितने भी हैं ये कंटिन्यू ये कंटिन्यू और ये कंटिन्यू तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ही हम लगाते हैं ठीक है चुका होगा चुकी होगी मतलब ये कर चुके होंगे विल के बाद यहाँ पर विल हैव यहाँ विल भी था यहाँ विल हैव और शैल हैव हो गया ठीक है और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिर रहा होगा रहे होंगे इसमें भी फ्यूचर में ही बात होगी और रहे होंगे करते रहे होंगे ये सब चीज़ें आती हैं रहा होगा मैं ये खाना खाता रहा होगा बाजार जाता रहा होगा ठीक है तो उसमें आप क्या लगेंगे विल हैव बीन शैल हैव बीन ये सिंगुलर के साथ ये आपका के साथ राइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ठीक है अब देखो जितने भी हमारे आ, फर्स्ट वाले हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट है पास्ट इंडेफिनेट है और फ्यूचर इंडेफिनेट है सब में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है लगी है ना तो बस इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगा हुआ है यहाँ पर इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हो रही है और सेकंड भी यूज़ हो रही है ये थोड़ा सा यहाँ पर है कि वर्ग पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों ही यूज़ होते हैं बट ये केवल सेकंड फॉर्म जो है ना आपका पॉजिटिव में यूज़ होगा इसको मैं यहाँ लिखती हूँ पॉजिटिव में पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में ठीक है तो आप पॉजिटिव में इसे अप्लाई करेंगे बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब जगह आप डेढ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे फिर फ्यूचर इंडेफिनेट में भी यही अब कॉन्टीन्यूस की बात कर लेते हैं कॉन्टीन्यूस में रहा है रही है रहा रह, रहा है रही है रहा था रहे थे मतलब पास में चलेगा और रहा होगा रही होगी तीनों सेम ही है ना है क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो गई तो था लग गया फ्यूचर की बात होगी तो गा लग गया रहा होगा तो इसमें क्या होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जी verb की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जी verb की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जी है ना कितना ईजी नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट में तीनों प्रेजेंट जो परफेक्ट हैं और फ्यूचर परफेक्ट है और पास परफेक्ट तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई होनी है ठीक है तीनों में आप वर्क की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे बस हेल्पिंग वर्ब थोड़ा डिफरेंट हैज़ हैव है, है यहाँ पर हैड है और यहाँ पर विल हैव शेल हैव क्योंकि फ्यूचर है फ्यूचर को सोचते ही लगा लो दिमाग में बैठा लो कि विल और विल और शैल को यूज़ करना है फ्यूचर की बात हम विल और शैल पर छोड़ देते हैं विल गया विल और शैल पर ठीक है तो बस विल हैव शेल है देखो यहाँ हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें आपका हैड आ गया क्योंकि पास्ट की बात है एक ही हैल्पिंग वर्क बस इसमें इसी को सोच लेंगे कि हैज़ हैव वहाँ था विल हैव शेल है ठीक है ये यूज होगा अब ये जो बचा लास्ट वाले में हैव बीन देखो हैज़ बीन और हैव बीन यहाँ पर भी हैड बीन है और यहाँ पे भी विल हैव बीन शैल हैव बीन है तो यानी फोर्थ नंबर वाले में सब में बीन बीन लग गया बीन बीन तो ये समझ लेंगे कि इसके चार पार्ट्स हैं ये तीन भाई हो गए इन तीन भाइयों के चार चार बेटे हो गए ये 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 इन सब के इनकी ये पहचान हो गई और इन तीन इन सभी टेंसेज के अंदर यानी क्या या तो ये हो या ये हो या कोई भी हो आपको चार टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ना पड़ता है वही हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी ने अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं और डब्ल्यू एच टाइप ये सब हम पढ़ते हैं ठीक है तो ये है हमारा समरी ऑफ द टेंसेज ईजी है बहुत इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है बहुत इजी है ये बस इसको आप एक दो बार देख लेंगे ना तो पूरा टेंसेज को आप बिल्कुल यूं चुटकियों में आपका ना याद हो जाएगा ठीक है नाउ नाउ देखो आई हैव रिटन हियर वी हैव फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑल द टेंसेज हमारे मतलब जितने भी हमारे टेंसेज हैं बारह टेंसेज हैं टेंसेज हैं हमारे बारह ठीक है इन बारह टेंसेज में आप चार टाइप के सेंटेंसेस को पढ़ते हैं हर एक में ये. अफर्मिटिव पढ़ेंगे ये अफर्मेटिव पढ़ेंगे अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव भी कहते हैं नेगेटिव इंटैरोगेटिव एंड डब्ल्यू एच टाइप तो हर टेंस के अंदर जितने भी बारह ना जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके अंदर बारह उसके अंदर चार पास्ट इंडेफिनट उसके अंदर भी चार तो ये चारों तो सेट हैं ये आपको हर हर टेंस के अंदर पढ़ने हैं ये है सेंटेंसेज ठीक है अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख दी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टीस या पास्ट इन्यूस जितने भी मतलब ये टेंसेज हैं सब में आप चार टाइप के सेंटेंसज को पढ़ेंगे ठीक है अब फॉर्मूला क्या होने वाला है ये भी एक बात है बस फार्मूला याद कर लेना अब देखो पास प्रेजेंट इन में सब्जेक्ट वर्ब में ऐसे आई एस प्लस ऑब्जेक्ट ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है प्रेजेंट इन के अफर्मेटिव में ठीक है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव में ठीक है और ऐसे ही हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट में और वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है केवल मैंने लिखा अफर्मेटिव में बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में तो आपको मालूम ही है वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं डिड के साथ और ये है आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी फॉर्म आपकी लगनी है प्लस ऑब्जेक्ट ये कॉमन फार्मूला है सब लिए जितने भी आपके टेंसेस हैं उसमें मोस्टली ये फार्मूला ही लगता है बस ये थोड़ा सा अलग है अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट इंडेफिनेट के भी अफॉर्मेटिव में बाकी सब में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बिना तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं ठीक है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो भी फॉर्म आप अप्लाई करेंगे वो याद करना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है बस इतना ही तो है बाकी जब इंटेरोगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं ठीक है ना जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं हमारा नेगेटिव में क्या बन जाएगा जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब है ना वर्ब की जो भी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से हो जाता है ना हमारा फॉर्म और जब हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं प्लस सब्जेक्ट हमारा बाद में चला जाता है फिर उसके बाद अगर हमारा नॉट है तो हम नॉट लगाएंगे प्लस फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट ठीक है और अगर डब्ल्यू एच करना है तो बस यहाँ पर हम डब्ल्यू एच वर्ड लिख देते हैं हमारी डब्ल्यू एच फैमिली यहाँ पे आ जाती है उसमें हेल्पिंग बस यही तो है सब ये अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और ये डब्ल्यू एच टाइप ये नेगेटिव हो गया ये इंटारोगेटिव हो गया तो इसमें सिंपल इंटरोगेटिव और ये डब्ल्यू एच वाला इंटरोगेटिव बस ये तो स्ट्रक्चर कितने इजी हैं ये फार्मूला एक याद कर लोगे तो सारे आपको याद हो जाएंगे राइट तो दिस वॉज द समरी ऑफ द टेंसेस और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हो और प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा और देखिएगा समझिएगा ईजी है समझ आएगा चलिए बाय बाय थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल बाय बाय टेक केयर